तो ये एक और कोई बीच के पास है, हम लोग अभी हम ला रहे हैं भगवान कैफे। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि हम ऐसे आए हैं एक छोटी सी गली से, फिर हम ऐसे आए हैं इसको पार करके, और अब हम यहाँ जा रहे हैं टूवर्ड्स भगवान कैफे। चलो भाई, भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक कैफे नहीं है, तो भगवान कैफे चलें। लेम जोक्स अपार्ट, तो अब आपको अंदर जाके दिखाते हैं भगवान कैफ़े कैसा है। प्लान ये है कि यहीं चिल करेंगे और लंच करेंगे, लंच के लिए टाइम थोड़ा लेट हो गया है, लंच करेंगे और फिर यहाँ से बीच पे थोड़ा देख लेंगे, एंड देन विल गो बैक टू हॉस्टल जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। सो सामने बीच है, और ये देखो इधर खेत है, इधर भी खेत है, वहाँ से हम लोग आए हैं। बीच अभी सनसेट होने में टाइम है, बट इट लुक्स नाइस। ये देखो यहाँ मैं कहाँ चल रहा हूँ यार, हिल रहा है। हाँ ऊपर जा रहे हैं हम लोग। यहाँ बैठ के चिल कर सकते हो, गूगल पे सर्च करके आप पता कर सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, तो चप्पल यहाँ उतार के जाना है ऊपर। सनसेट हो रहा है और भगवान कैफे से अब हम आ गए हैं इस बीच पे। ये सब फेलोज हॉस्टलर्स बैंगलोर, तो ये मार्केट है गोकर्ण की जहाँ पे स्पाइसेस मिलते हैं बहुत सारे। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ स्पाइसेस मिल रहे हैं, और पारुल ले रही है इलायची, दालचीनी। देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी दालचीनी, ये देखो दालचीनी भाई, देखो 20 रुपये में दालचीनी इतनी सारी ले ली हमने। ये खजूर वगैरह सब मिल रहे हैं यहाँ पे, ड्राइड और ये वाले। तो ये है धूप, जलाने वाली धूप है यार ये मंदिर में। बड़ा बड़ा पत्थर है, और ये 100 रुपीज़ का पैकेट ले रहे हैं हम लोग, देखते हैं जलाएंगे। और ये लीजिए, तो मेरे पीछे है गणपति टेंपल, और यहाँ की मान्यता के हिसाब से और कहानी जो मैंने सुनी है, जब रावण की तपस्या से शिव जी खुश हो गए थे, तो उन्होंने
रावण को शिवलिंग दिया था और बोला था कि तुम्हें जो चाहिए इससे वो मिलेगा, बट शर्त यह है कि इसको नीचे नहीं रखना है। तो रावण जी को मिल गए शिवलिंग, सबसे पहले शिवलिंग, और तो सारे देवता लोग डर गए कि भाई अब तो ये बहुत पावरफुल हो जाएंगे, मतलब अपने अपने नगर ले जाएंगे एंड ऑल दैट। तो गणेश जी यहाँ पे आए बच्चे के रूप में, एंड रावण को जो था जाना था वॉशरूम टॉयलेट, तो वो नीचे रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने गणेश जी को बोला कि बेटा इसे पकड़ लो थोड़ी देर और मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे ही गणेश जी को मिला उन्होंने नीचे रख दिया और तभी शिवलिंग स्थापित हो गए। तो इसलिए यहाँ दो मंदिर हैं, गणपति का टेम्पल, और अब हम जा रहे हैं शिव जी के टेम्पल यहाँ से। तो काफ़ी लोग इस मान्यता की वजह से भी गोकर्ण आते हैं इस टेम्पल को देखने। आई थिंक फर्स्ट शिवलिंग इज वॉट इज कॉल्ड गणेश टेम्पल, और शिव टेम्पल के दर्शन कर लिए, और बड़ा ही सही मंदिर बना हुआ है अंदर से, काफ़ी बड़ा मंदिर है शिव जी का। और नंदी बैल हैं, मतलब असली नंदी बैल हैं, मूर्ति वाले नहीं, असली बैल हैं। तो वो बड़ा सही था देखने को, और सही है यहाँ का ड्रेस कोड है यार। अगर आपको टेम्पल में अंदर घुसना है तो लड़कों के लिए लुंगी ज़रूरी है, तो लुंगी आप मार्केट से ख़रीद सकते हो, लड़कियों के लिए प्रॉपर इंडियन अटायर या ट्रेडिशनल बेसिकली कवर्ड होना चाहिए, तभी अंदर अलाउड है। तो चलिए अब वापस चलते हैं हॉस्टल, और फिर आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू नेक्स्ट टाइम। और ये रहे फेलो ट्रैवलर्स हमारे, आ तो जल्दी पहुंच गए। जीवन वो जी रहा है। कौन इसे कहते हैं जीवन? वो देखो वो टेढ़ा जीवन जी रहा है। शो योर हेयर बियर्डिंग्स बट वॉट एवर इट इज़ यार। तो हेयर बियर्डिंग्स हो गई हैं, अगर आपको भी करानी है तो ये भैया लोगों को ढूंढ लो ओम बीच पे, और इनसे हेयर बियर्डिंग करा सकते हो आप। भैया कुछ बताओ ना, और मस्त बातें कर रहे हैं भैया, मस्त बातें करते हैं। टेंपल जाएगा तो शुक्रवार को ओपन रहते हैं स्पेशल टेंपल, सक्सेसफुल होता है। अच्छा शुक्रवार कौन सा टेंपल? भद्रकाली टेंपल। अच्छा भद्रकाली टेंपल अच्छा है, पूरा लोकली सुधारी है। शुक्रवार और पैकेट वाले दूध कौन सी कंपनी का दूध है? नंदनी आता है यहाँ पे, चाट मसाला वाला नंदनी अच्छा है, सबसे अच्छा वही है। हाँ तो आता है वो अपना बैंगलोर में भी वही चलता है। नंदनी का दूध बहुत सही होता है, मैं नंदनी ही लाता हूँ। देखो वी आर हैविंग मिल्क टॉक्स, मिल्क टॉक्स, कुल्फी की इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात हो रही है ताकि ऑथेंटिसिटी चेक हो सके। अब फिर से चढ़ना है यहाँ पे, यहाँ फिर चढ़ना है।